एक गांव में तीन बच्चे रहते थे, राजू, प्रिया और रवि। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपना ज्यादा समय पास के जंगल में बिताया करते थे। एक दिन वे घने जंगल में एक पुराने मंदिर पर गए। मंदिर व्यवस्थित नहीं था, बैले ऊपर की ओर बढ़ रही थी और छत गिर रही थी। लेकिन बच्चे उत्सुक थे और बच्चे मंदिर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्होंने कुछ अजीब देखा। दीवारें प्राचीन लेखन से ढकी हुई थी। उनमें से कोई भी इसे समझ नहीं पाया, लेकिन वे ये सब देखकर सोच में पड़ गए। अचानक उन्होंने मंदिर के अंदर से एक जोर की आवाज सुनी। उन्होंने सावधानी से उस आवाज की ओर अपना रास्ता बनाया और उन्हें प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक देवी की बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति गहने और सोने से घिरी हुई थी और बच्चों को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने जल्दी से जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा किया और मंदिर से बाहर जाने लगे। बाहर जाने पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें पुकार रही थी। यह एक बूढ़े ऋषि थे जो कई वर्षों से जंगल में रह रहे थे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि मंदिर देवी को समर्पित था और जो खजाना वे ले जा रहे थे वे उन्हीं के थे। ऋषि की बात सुनके बच्चों ने खजाने को मंदिर में वापस करने का फैसला किया। जब वे मंदिर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मंदिर जादुई रूप से खंडर की तरह दिखने लगा है। देवी स्वयं सामने प्रकट हुई। उनकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बच्चे अनुभव के लिए चकित और आभारी थे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सही काम करने में सबसे बड़ा खजाना पाया जा सकता है और उन्होंने प्राचीन मंदिर में सीखे गए पाठ को हमेशा याद रखने का वादा किया।